राज्यसभा में जब ये विधेयक गया था तो वहां उन्होंने खंड तीन को विलोपित करने का प्रस्ताव पारित कर दिया बता रहा हूं। और खंड तीन में उसके गठन से संबंधित प्रावधान के इतने सदस्य होंगे और इस प्रकार के सदस्य होंगे इस प्रकार का प्रावधान किया गया था, परंतु उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें एक महिला सदस्य होना अनिवार्य है और एक अल्पसंख्यक सदस्य होना अनिवार्य है। इस प्रकार के संशोधन प्रस्तुत किए, वो सरकार ने नहीं माने तो उन्होंने वोटिंग के माध्यम से इसको विलोपित करने का निर्णय कर लिया। अब हमने इस संबंध में जो विकल्प तैयार किए हैं वो ये है कि खंड तीन में तो हम किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं कर रहे हैं, जो लोकसभा ने पारित किया था उसी प्रकार का प्रावधान कर रहे हैं, क्योंकि सदस्य योग्यता के आधार पर होते हैं। उसमें मैंने आश्वासन भी दिया था लोकसभा में कि जब नियम बनाएंगे तो महिला सदस्य का प्रावधान उसमें करेंगे, और उसी आधार पर लोकसभा ने उसको स्वीकृति भी दे दी थी, पर वहां उन्होंने इसको नहीं माना और कहा कि नहीं, महिला सदस्य होगी उसका एक प्रावधान इसमें किया जाए। इसी प्रकार से उन्होंने कहा था कि एक अल्पसंख्यक सदस्य भी होना चाहिए, जबकि ये ओबीसी कमीशन गठित होगा तो ओबीसी से संबंधित जो वर्ग उसमें आते हैं उसमें से ही वो सदस्य बनाने का प्रावधान है। ये दोनों बातें वहां से उन्होंने अस्वीकार करके, और फिर माइनॉरिटी कमीशन अलग से बना हुआ है, एससी कमीशन अलग से बना हुआ है, एसटी कमीशन भी अलग से बना हुआ है, और उनका प्रतिनिधि तो उन आयोग में अपने आप होता है और हो रहा है। अब हमने खंड पांच में जो एक संशोधन प्रस्तावित किया है वो ये है कि पहले प्रावधान था कि आयोग केवल सलाह देने का काम करेगा और वो सलाह देकर के अपना प्रतिवेदन गवर्नर को देगा। तो लोकसभा में भी अनेक माननीय सदस्यों ने इस प्रकार के विषय रखे थे और राज्यसभा में भी ये कहा कि भाई गवर्नर राज्य सरकार को नज़रअंदाज करेंगे, इसमें से एक भावना ये परिलक्षित होती है। तो हमने उसमें विकल्प दिया है कि गवर्नर शब्द जहाँ है वहाँ सरकार शब्द जोड़ रहे हैं, अर्थात अब सरकार की राय से ही आयोग अपना प्रतिवेदन वगैरह और ये और सब बनाएगा। ये 338(5)(g) में इस प्रकार का प्रावधान किया है। इसी प्रकार से एक बात और हमने इसमें संशोधन प्रस्तुत करते हुए कही है, ये कहा था कि आयोग केवल सलाहकार के रूप में ही काम करेगा, ये अधिकार पर्याप्त नहीं है। तो हमने उसमें ये कहा है जहां ऐसी कोई रिपोर्ट या उसका कोई भाग किसी ऐसे मामले से संबंधित है जिसका संबंध राज्य सरकार से है, वहां ऐसी प्रति राज्य के राज्यपाल को भेजी जाएगी जो उसे राज्य से संबंधित सिफारिशों पर की गई या किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन, और ऐसी किसी सिफारिश की अस्वीकृति के कारणों यदि कोई हो सहित राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा। इसमें रिपोर्ट की एक प्रति राज्य सरकार को भेजी जाएगी जो उसे राज्य से संबंधित सिफारिशों पर की गई या किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन, और ऐसी किसी सिफारिश की अस्वीकृति के कारणों यदि कोई हो सहित राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा। ये तीन प्रकार के मुद्दे हमने इसमें प्रावधानित किए हैं। इस पर विस्तार से पहले चर्चा लोकसभा में हो गई है, मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि इसको पारित किया जाए।